हाय, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? मैं तो बहुत ठीक हूँ, खुश हूँ। और मैं आज आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ मशरूम का सब्जी। तो देखिए, मैं यहाँ पे ऑनियन काट के रखी हूँ, गार्लिक है, चिली है, टमाटर है और ये है जिंजर। तो मैं ये सबको पहले फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है? ओवन को मैं ऑन कर लिया। इसमें मैं 2 टीस्पून ऑयल डालूंगी, सरसों का ऑयल। तो इसमें जो रखी हुई है ऑनियन है, गार्लिक है, टमाटर है, जिंजर है, ये सब फास्ट मैं फ्राई कर लूंगी, ठीक है? आप देखिए मेरे कैसे मटर मशरूम बनाऊंगी, इतना टेस्ट आएगी। आप जब मैं जैसे बना रही हूँ, आप घर में वैसे बना के देखिए, बहुत टेस्ट आएगी। ऑयल गर्म हो चुकी है तो मैं फास्ट ऑनियन डाल दिया, जिंजर डाल लिया, गार्लिक डाल दिया यहाँ पे, थोड़ा सा नमक दे रही हूँ, टमाटर डाल दिया। थोड़ी देर के लिए इसको सब फ्राई करना है, उसके बाद ये जब ठंडा हो जाएगी तब इसको पेस्ट बनाना है, ठीक है? मैं सब स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगी आपको, आप जब घर में बनाएंगे आपको इजी लगेगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इजी है, सिंपल है। आप इजी तरीके से देखिए मैं बना रही हूँ, आप भी ऐसे बना के देखिए घर में। बस ये फ्राई हो चुकी है, ओवन ऑफ कर दिया मैंने। इससे पहले थोड़ी देर के लिए ऐसे रखना है क्योंकि इसको ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा नहीं होगी तो मैं पेस्ट नहीं बना पाऊंगी, इसीलिए इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दीजिए। ठंडा हो जाएगी तब मैं दिखा दूंगी, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड, इसको मैं पहले पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए ये मैंने पेस्ट बना लिया, ठीक है? तो कढ़ाई में मैं फिर से ऑयल डालूंगी, सरसों का ऑयल 2 टीस्पून। मैं ज़्यादा ऑयल दे के खाना नहीं बनाती हूँ, वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगी और रिच हो जाती है खाने में, इसलिए मैं बहुत कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। जीरा दे दिया,
बेलीफ दे दिया। ऑयल गरम हो चुकी है, जीरा भी फ्राई हो चुकी है, मैं ये पेस्ट डाल दिया यहाँ पे। एकदम लो फ्लेम में करना चाहिए इसको। थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। अभी इस मसाला को फिर से फ्राई करना है अच्छी तरह से। जब तक मसाला से तेल नहीं छोड़ती है तब तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, वन टीस्पून चीनी, वन टीस्पून हल्दी, वन टीस्पून कश्मीर मिर्च, कोई जब आप खाना बनाएंगे तब उसके पहले मसाला को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, नहीं तो खाने में टेस्ट नहीं आएगी। तो मसाला को ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से लो फ्लेम में फ्राई करना है उसको। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता मैं काट के ऐसे ही देती हूँ। देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और कलर भी बहुत सुंदर आ गई है। इस मसाला में ऐड करूँगी दही का, दही इतना टेस्ट, इतना सुंदर टेस्ट आएगी। आप जब मेरे तरीके से घर में बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगी ये मशरूम इतना टेस्ट आती है। यहाँ पे मैं देखिए मटर ले लिया, चिली है और ये है मशरूम। देखिए मशरूम, इसको मैं थोड़ा बॉईल कर लिया, हल्का सा 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया और बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया मैंने। 5 मिनट के लिए पहले मशरूम को बॉईल कर लीजिए तो अच्छा होती है, क्योंकि मशरूम में बहुत गंदा होती है, वो सब निकल जाती है बॉईल करने से। और वॉश कर लीजिए, बस हो जाएगी। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मटर और चिली को। Thank you.
देखिए मासूम को मैं छोड़ी हूँ यहाँ पे। दो मिनट के लिए ऐसे इसको फ्राई करना है। देख के अच्छा लग रही है ना, तो टेस्ट बताए कैसा आएगी। बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसमें। मासूम तो बहुत हेल्दी भी होती है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं मशरूम। मशरूम में बहुत सारे प्रोटीन भी रहती है। इसको कुक करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, वाटर ज़्यादा नहीं, 1 कप बस हो जाएगी। मैं 1 कप पानी दे दिया यहाँ पे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए कुक करने के लिए। मैं 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखा लूँगी लास्ट में क्या डालती हूँ, उसमें और ज़्यादा टेस्ट आ जाती है। ठीक है, 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। 5 मिनट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे हल्का थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया लास्ट, और मैं मिक्स करूँगी मैगी मसाला गरम मसाला लास्ट ऐड कर दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाती है। बस हो गई। तो कैसा लगा मेरा मटर मशरूम रेसिपी? अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। मैं जैसे बनाया मटर मशरूम की सब्जी, आप भी घर में ऐसे ही ट्राई करके देखिए, एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगी और बहुत अच्छी लगेगी आपको। और ये एकदम इजी है, सिंपल है। तो ठीक है फ्रेंड, मैं ओवन ऑफ कर देती हूँ। तो आज मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, सी यू।